हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हमारा यहाँ पे यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग का लास्ट टेस्ट है, जो कि टेस्ट नंबर 15 है। तो इसकी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई नो कि आप लोग प्रीलिम्स के लिए एकदम से इंगेज हो गए हो, बट कोई ना, यहाँ पे कोर्सेज पूरी करनी है तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। अगर जो भी लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि देखिए लास्टली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हो, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि डेट हमेशा एक्सटेंड हो रहा है। बट कोई ना, लास्ट पूरे एक मंथ आप लोग को प्रैक्टिस में देना चाहिए, ये तो मैं भी बोलूँगी। लेकिन अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। कम से कम जो आंसर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बोला जा रहा है। बेसिकली मैं पांच क्वेश्चन इकोनॉमी के ऊपर ही दी हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस करना है। अब डिस्कस क्या करना है कि मिनिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इन पावर सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इनपुट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजेस मॉडल कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन। तो देखिए, आज के डेट में पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। हमारा डिस्कॉम, जैसे कि आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। तो कहा जा रहा है कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो इनपुट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजेस मॉडल है, क्या ये दोनों यहाँ पर हेल्प हो सकता है इनसे, कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, हमारे जो एनर्जी सेक्टर्स आज के डेट में इतना ज़्यादा लॉस में है, तो क्या वो यहाँ पर उनको सोल्यूशन मिल सकता है कि नहीं? तो इसके बेसिस पर आप लोग को डिस्कस करना है। सेकेंड है कि जेंडर बजटिंग क्या होता है, ये आप लोग बताना। हमारे बजट में ये एक वर्ड यूज़ किया गया है, जेंडर बजटिंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड आप लोग आंसर ज़रूर देख लीजिएगा। मे बी इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में ही बन जाता है कि जेंडर बजटिंग को कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन कर रहा है। साथ ही आपको बताना कि क्या क्या इशूज़ हैं जिसके वजह से जेंडर बजटिंग जो है ना, अब तक यहाँ पर हमारे कंट्री में अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पाया। साथ ही साथ कुछ मेज़र भी आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है, जिससे कि ये सारे इश्यूज़ जो है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो आपकी तरफ से वे फॉरवर्ड और एक अच्छा सा सॉल्यूशंस आप लोग बता सकते हो कि क्या करना चाहिए, जिससे कि ये जेंडर बजटिंग का जो यहाँ पे मुद्दा है और ये जो एक प्रॉब्लम है, इशू है, ये कम हो सके। ओके, सेम आप लोग को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। 150 वर्ड्स में आप लोग को पांचों क्वेश्चंस लिखने हैं, और पांचों क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से लिखने का, ठीक है? थर्ड है कि यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कुछ इश्यूज़ जो कि यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के द्वारा यहाँ पे आपका जो है फेस किया जा रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के द्वारा इंडिया में जो इशू फेस किया जा रहा है, उसको हाईलाइट करना है कि क्या क्या इशू है, और कुछ यहाँ पे रिफॉर्म भी सजेस्ट करना है। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कोई भी ऐसा फास्ट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग नहीं आंसर कर पाओ। अगेन 150 वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा। फोर्थ है कि जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का बात किया जा रहा है रिसेंट टाइम्स में, तो आपको रैशनल बतानी है कि क्या रीज़न है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, और क्या इससे कंसर्न क्या रेज हो सकता है, यानी कि ये करना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट इसको क्यों कर रही है, और करने से आगे चल कर क्या इससे प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, अच्छे पॉइंट होंगे या बुरे होंगे, जो भी होगा आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, तो इसी के बारे में आप लोग को लिखनी है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है हमारे गिग वर्कर्स को, सो गिग वर्कर्स क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे ही होते हैं, जो कि इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, इनका वर्क डिफाइंड नहीं होता, तो ये सारे इनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, और यहाँ पर ज़रूरत है कि इन गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तो क्या क्या चैलेंजेस है, तो ये आप लोग को चैलेंजेस बताना है कि इनका डेटा प्रॉपर नहीं है, या फिर इनके बारे में जो है एग्जैक्ट नहीं पता होता है, इनका प्रॉपर सा जो है एक वर्क टाइम पीरियड नहीं होता। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है चैलेंजेस देखने को मिलेगा कि इस तरीके के गिग एक वर्कर्स को आपका सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो ये एक अलग तरीके का इसमें बहुत सारे चैलेंज है, और प्रोवाइड किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इश्यूज है। काफ़ी इस बार डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुआ है, हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमी में इसके बारे में एक आर्टिकल भी डिस्कस किए, तो ज़रूर देखिएगा। ओके, सो ये 5 क्वेश्चन है। अगर आप लोग को लिखने का मन है तो ज़रूर लिखिए, नहीं तो प्रीलिम्स के बाद आप लोग लिखिएगा, जिस किसी का भी प्रीलिम्स क्वालिफाइड होने वाला रहेगा, या फिर नहीं भी होगा तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मेंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी बच्चे हमारे अलग से मींस इनिशिएटिव में जुड़े हुए हैं उनके लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो आप लोग कभी भी जुड़ सकते हो, प्रीलिम्स के बाद में भी जुड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतनी, थैंक यू। और भी लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, या फिर कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।